वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। अदानी पावर में आज भयंकर तेजी देखने को मिली, हमें 10% का अपर सर्किट देखने को मिला। तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में जो सिचुएशन चल रही है मार्केट में, उसमें पावर सेक्टर की बात करें तो NTPC की बात कर लो, टाटा पावर की बात कर लो, बाकी जो कोई भी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं उसमें बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। तो आज की तेजी आपको बताने चाहूंगा। यहाँ पे देखिए अदानी पावर 61.30 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है, 5.55 रुपये ऊपर, यहाँ पे 9.96% की अपर सर्किट, मतलब कि 10% की अपर सर्किट के साथ हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला। सबसे पहले चार्ट पे लेके जाके एक तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो वो बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपको चार्ट पे लेके आया हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बात करना चाहूंगा। यहाँ पे देखे 70 रुपये के आसपास हाई बना रहा था, उसके बाद मार्च में बड़ी गिरावट, यहाँ पे बाबू जी जो लो बना दिया था अदानी पावर ने, वो लेट मी टेल यू कि लो कहाँ पे जाके बनाया था, लगभग यहाँ पे देखे कि 22 रुपये के आसपास का यहाँ पे लो देखने को मिला था। और उसके बाद जो यहाँ पे रैली चालू हुई है दोस्तों, अपने आप में अभी की बात करें तो मार्च से लेके अभी तक एक साल में पैसे को 3 गुना कर चुका है। 22 का लो उसके बाद 64 का है, तो लगभग पैसा 3 गुना कर चुका है अदानी पावर। और हाल फिलहाल में भी एक बढ़िया ब्रेकआउट की सिचुएशन इमर्ज हुई है इस वीक में, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आज ही यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन, ऐसे छोटी टाइम फ्रेम में देखोगे तो ट्रेंड लाइन बन रही थी, जिसको यहाँ पे बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट किया है। तो अभी नेक्स्ट लेवल क्या आ सकते हैं उसके बारे में बताऊँ तो दोस्तों 61.30 रुपये क्लोजिंग है, जो नेक्स्ट हडल है जो यहाँ पे है 64 रुपये तक, तो दोस्तों अभी इसको कुछ भी बीच में नहीं आने वाला, 64 रुपये तक तो ये जाएगा ही जाएगा। अगर 64 रुपये का लेवल टूटा तो 70 रुपये, और उसके बाद दोस्तों डायरेक्टली 82 रुपीज़ के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप करंट मार्केट प्राइस में पोजीशन बनाना चाहो तो आपका स्टॉप लॉस 2 जगह रहना चाहिए, एक तो 58.50 रुपये भी अपने आप में सपोर्ट है, और इसके नीचे डीप स्टॉप लॉस लेना चाहो तो 55 रुपये के आसपास भी सपोर्ट है। इन दोनों में से किसी में भी एज पर योर रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप SL लेकर के इसमें पोजीशन बना सकते हो दोस्तों, बम्पर पैसे बनाने का बढ़िया मौका है। RSI का लेवल वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है 68.02, तो RSI भी लगभग बढ़िया स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में कैसी रिटर्न की प्रोफाइल है उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। स्टॉक एच की वेबसाइट पे आपको लेकर के आया हूँ, यहाँ पे अदानी पावर लिमिटेड, यहाँ पे देखे कंटिन्यूसली यहाँ पे तेजी का माहौल है। एक वीक में 11% के रिटर्न, एक मंथ में देखें 16% से भी ज़्यादा के रिटर्न, 3 मंथ के टाइम होराइजन पे 35% से भी ज़्यादा के रिटर्न, 6 मंथ में 56%, 1 साल में 30, और यहाँ पे 2 साल में अभी भी 26% का पॉजिटिव रिटर्न, और यहाँ पे 5 साल में पैसे को 2 गुना से भी ज़्यादा 110% के पॉजिटिव रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल वाली कंपनी है अदानी ग्रुप की, अदानी पावर, जिसमें बढ़िया तेजी निकल करके आ रही है। तो मैंने जैसे बताया आपको पोजीशन बनानी है तो बढ़िया मौका अवेलेबल है। अभी दो खबरें हैं जो कि इस तेजी के पीछे काम कर रही थी उसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहली खबर अदानी पावर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर स्टेटस को ऑन कंपेंसेशन अवार्ड बाय द APTEL। तो दोस्तों यहाँ पे एक पावर के ऑर्डर को लेकर के कंपेंसेशन हुआ था, जिसको यहाँ पे स्ट्रेटरन MSEDL, इसका मतलब क्या हुआ, महाराष्ट्र ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने यहाँ पे हाई कोर्ट में अपील करी थी, और यहाँ पे हाई कोर्ट का जो अभी फैसला निकल करके आया इसके ऊपर, वो यहाँ पे को मतलब कि होल्ड का निकल करके आया, तो यहाँ पे बहुत बड़ी राहत है अदानी पावर के लिए, जिसके चलते आज हमें बढ़िया तेजी देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पे जब अपील दाखिल करी थी स्टेटरन मतलब कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे ऐसा माना भी जा रहा था कि ये जो डील हुई थी पावर को लेकर के कंपेंसेशन हुआ था वो यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, परंतु यहाँ पे स्टेटस को हुआ है, तो अपने आप में पॉजिटिव खबर है अदानी पावर के लिए, और इसी के चलते हमें 10% की अपर सर्किट देखने को मिली। दूसरी भी एक खबर है, एक द इकोनॉमिक टाइम्स पे यहाँ पे एक आर्टिकल जाहिर हुआ है, उसमें यहाँ पे बताया गया है कि अदानी पावर जील JSW एनर्जी अमंग द 74 स्टॉक दैट लुक टू सेट रैली इन अपकमिंग डे। तो दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े जो एनालिस्ट है यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रेडिक्शन किए हैं, उसमें अदानी पावर भी शामिल है, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पे अपकमिंग डे में इन सभी स्टॉकों में बढ़िया रैली की
पॉसिबिलिटीज है। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि द इकोनॉमिक टाइम्स को विजिट करिए और ये आर्टिकल को आप पूरा पढ़े। जाते जाते दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एनएससी की वेबसाइट पे लेके जाके कैसे कारोबार की डिटेल रही है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अदानी पावर लिमिटेड 61 रुपये 30 पैसे पे क्लोजिंग, यहाँ पे 5 रुपये 55 पैसे ऊपर, जैसे मैंने बताया 10% के परसेंट की प्रीवियस क्लोजिंग बात करें, 55 रुपये 75 पैसे ऊपर होता है 56 रुपये 25 पैसे। हाँ 61 रुपये 30 पैसे का ही लो यहाँ पे 56 रुपये 10 पैसे का। फाइनली जैसे क्लोजिंग प्राइस की बात करें 61 रुपये 30 पैसे, क्योंकि अपर सर्किट थी। कारोबार देखे तगड़ा हुआ, 3,32,80,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से बात करूँ 1,55,32,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखे दोस्तों लगभग लगभग 47 की है। तो दबा करके कारोबार भी हुआ है, दबा करके ब्रेकआउट भी आया है, तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। और मैंने जैसे बताया अगर आपको शॉर्ट टर्म में बढ़िया प्रॉफिट कमाना है तो यहाँ पे आप करंट मार्केट प्राइस में पोजीशन बना के यहाँ पे बढ़िया मुनाफा के लिए जा सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। बाकी दोस्तों एडिशनल मेरी तरफ से हेल्प चाहिए, मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा जिस किसी ने ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है उसको भी मैंने मेरी तरफ से लिंक दी गई है ज़ीरोधा और अपस्टॉक की। वहाँ पे जाके आप किसी में भी अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी, मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें आपको जगह दी जाएगी। दोस्तों मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।